मैं वीरेंद्र मेहता आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो का जो टाइटल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूजफुल है। वो टाइटल है मास्टर द आर्ट ऑफ फेलियर टू गेट सक्सेस। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस इज फेलियर। जो सक्सेस की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, उसका अगर सबसे पहला पड़ाव अगर कोई है तो वो है फेलियर, राइट, जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाता है। क्योंकि फेलियर वो वंडरफुल टूल है जो हमारी वीकनेसेस, मतलब जो हमारी वो कमजोरियां जिसके कारण से हम उस सक्सेस को अचीव नहीं कर पाए, उनके बारे में बताता है, राइट। तो फेलियर सक्सेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये वो पहला स्टेप है जो आपको सक्सेस की तरफ मोड़ता है। फेलियर इज द फोर्स विच एक्टिवेट आवर हिडन पावर्स। देखिए, फेलियर वो शक्ति है, वो ड्राइविंग फोर्स कह लीजिए, जो हमारे अंदर जो हिडन पावर्स है, सुषुप्त शक्तियां हैं, उनको एक्टिवेट करता है, उनको जगाता है, राइट। अब अगर मैं किसी एग्जामिनेशन की बात करूं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं जिसके अंदर कुल 50 सीट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स हैं जो उस एग्जाम को दे रहे हैं, तो ये निश्चित है कि जो 50 स्टूडेंट्स हैं उनको वो जो फेलियर है वो फेस करना पड़ेगा। केवल 50% ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सक्सेस को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि हमारे देश में रिसोर्सेस कम हैं और लोग ज्यादा हैं, राइट। इसलिए जो फेलियर है, अक्सर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या युवा पीढ़ी है हमारे देश की, उसको वो फेलियर फेस करना पड़ता है, राइट। तो फेलियर का जो मतलब है वो ये नहीं है कि आप हिम्मत हार जाएं या फिर आप साहस को हार जाएं। देखिए, फेलियर होने का जो मतलब है वो ये है कि जो स्ट्रेटजी हमने यूज की थी या जो प्लान्ड अप्रोच हमने जो यूज की थी सक्सेस को अचीव करने के लिए, वो सक्सेसफुल नहीं हुई है, राइट। तो उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है जिसको हमें इंप्रूव करना है। अगला पॉइंट है सकारात्मक सोच की। देखिए, इस पर्टिकुलर अभियान को पाने के लिए या सक्सेस को अचीव करने के लिए सबसे जरूरी जो टूल है वो है सकारात्मक सोच, मींस पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि अगर दृष्टिकोण ही नेगेटिव है, देखने का जो नजरिया है वो ही अगर नेगेटिव है, तो सक्सेस को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और आज हमारे देश में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, आज बहुत सारे युवा उनको एक बहुत एक इजिली जो इजिली फाउंडेबल जो सोल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड सुसाइड, राइट। तो दुर्भाग्य है हमारे देश का कि वो सुसाइड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि वो अब वो सक्षम नहीं है उस चीज को पाने के लिए, सक्सेस को अचीव करने के लिए, और उस फेलियर का सामना वो करने के लिए रेडी नहीं है। तो उनको लगता है कि ये जो है वो सबसे बड़ा सोल्यूशन है। देखिए, परिस्थितियों से भागना कायरता है और परिस्थितियों के साथ लड़ना ही सबसे बड़ा हिम्मत है, सबसे बड़ा साहस है, राइट। तो एक बहुत फेमस कविता भी है कि भाग मत प्रयास कर, कर प्रयास भाग मत। देखिए, एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, बिना एफर्ट्स किए, बिना कर्म किए सक्सेस आपकी नहीं हो सकती। आपको पूरे लगन से, पूरे हार्ट से, देखिए बॉडी माइंड एंड सोल, किसी भी चीज को आपको अचीव करना हो तो उसके लिए थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, योर बॉडी, योर माइंड एंड सोल। जब ये तीनों चीजें लग जाएंगी, पूरी लगन से आप प्रयत्न करेंगे, तो निश्चित रूप से जो सक्सेस है वो आपको मिलेगी, राइट। तो आजकल के युवा को अगर कोई चीज चाहिए तो वो है सहनशीलता, टॉलरेशन पावर। आज हमारी युवा पीढ़ी में सहनशीलता नहीं है, राइट। अगर सहनशीलता नहीं है तो किसी भी चुनौती को, किसी भी फेलियर को सह ही नहीं सकती, उसका सामना ही नहीं कर सकती। और ऐसे हमारे देश में बहुत सारे उदाहरण रहे हैं कि जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जो सफलता है उसको पाया है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे भारत देश में रामानुजन,
देखिए कितने गरीब, कितनी पुअर फैमिली से वो बिलोंग करते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक इंटरेस्ट दिखाया गणित में, मैथमेटिक्स में, बाकी सब्जेक्ट्स में देर इज नो परफॉर्मेंस, ओके, लेकिन एक ही सब्जेक्ट में जो उनका परफॉर्मेंस था वो ग्रेट था, उन्होंने उसी को पॉलिश किया, लग गए उसमें, और आज तक भी जो उनकी जो थ्योरम्स हैं वो महान महान जो गणितज्ञ हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो सोल्व नहीं कर पाए हैं। सिमिलरली द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल पाणिनि, एक मूर्ख विद्यार्थी, जिसका जो इंटेलेक्ट था इतना वीक था, और उस चीज के बावजूद भगवान महामृत्युंजय के जो मंत्र की जो वाइब्रेशंस हैं, जो उनके डमरू की जो वाइब्रेशंस हैं, उनसे उन्होंने संस्कृत के वो जो सूत्र हैं वो डिस्कवर कर लिए और दिखा दिया कि वो हासिल किया जा सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सिमिलरली एक और उदाहरण आइंस्टीन, देखिए 4 साल का बच्चा था जो वो बोल नहीं पाता था, टीचर्स ने बोला ही नेवर अमाउंट टू डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, लेकिन स्टिल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कवर करके दिखाया, नन अदर देन एल्बर्ट आइंस्टीन। तो देखिए सबसे जरूरी है फेलियर, फेलियर होगा तभी आप सक्सेस की ओर सोच सकते हैं, ओके? तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप अपने फेलियर को प्यार कीजिए, लव योर फेलियर, और सबसे बड़ी जो चीज है वो है शक्ति साधना, ओके? वो आपको मिल सकती है ध्यान से, तो आपको ध्यान करना है, सक्सेस का ध्यान करना है, जो भी माइंड टूल्स हैं, ये गॉड गिफ्टेड इक्विपमेंट्स जो भगवान ने हमें दिए हैं, एक सर्वश्रेष्ठ दिमाग हमें दिया है और 5 इंद्रियां, 5 सेंस ऑर्गन्स हमें दी हैं, इसका प्रयोग करते हुए हमें सक्सेस को अचीव करना है, राइट? तो आप, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में फेलियर के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, बल्कि पूरी दृढ़ता के साथ उसका सामना करेंगे और सफलता को पाने के लिए अपना जो प्रयत्न है वो जारी रखेंगे। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।